दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जिन लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि प्राइवेट के फॉर्म, पीजी प्राइवेट फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो वह स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोग, सभी विद्यार्थी जाकर के अपने सभी जो इच्छुक हैं वह अपना प्राइवेट फॉर्म फिल कर ले। चलिए मोबाइल से कैसे अपना फॉर्म फिल करें बताते हैं। सबसे पहले आप msuniversity.ac.in को सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने सर्च किया हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुली हुई है। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में, तो मैं विद्यार्थी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके बीए प्राइवेट फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी ने पीजी प्राइवेट पोस्ट यूजी अंडर ग्रेजुएट के जितने भी प्राइवेट फॉर्म निकलते थे वो इस बार नहीं निकले हैं। अभी तक ऐसा कोई सूचना भी नहीं है और पीजी के फॉर्म निकाल दिए गए हैं। तो कैसे आप उनको फिल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अब मोबाइल से एग्जामिनेशन, सबसे पहले आप स्टेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश ऑल ऑल यूनिवर्सिटीज़, यानी कि ऑल ऑफ को इससे भी किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश से हो तो आप मासा कॉम्पड़ी यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि नोटिफिकेशन में कुछ दिया हुआ है कि आप जो हैं विदेश का कोई भी विद्यार्थी, फॉरेन का कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकता इस यूनिवर्सिटी के लिए। अभी तक ऐसी गाइडलाइंस है जो एमए प्राइवेट फॉर्म के लिए दिया गया, वह उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का नागरिक हो, वही फिल स्टूडेंट हो, वही फिल कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश फिल कर दिया मैंने। करने के बाद में कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम जैसे आप, मेरा नाम गगन, गगन कुमार। करने के बाद में आपको फादर नेम STY। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी डिस्प्ले कैसे दिखाई दे रही है। देखो ये मैं मोबाइल से फिल कर रहा हूँ तभी ये इतना छोटा दिखाई दे रहा है। मदर नेम, DOB, जेंडर मेल, एड्रेस, एड्रेस विल ये है, इंटर कॉलेज कागलेडी। गागलेडी मुजफ्फरनगर नगर रोड, स्टेट वही उत्तर प्रदेश। फिल से फिल करें, डिस्ट्रिक्ट नेम सहारनपुर, पिन कोड 247669। सेम एज कर देना, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। आप अपनी मेल आईडी दोनों टाइप, यानी कि आपको एक बार इसमें कंफर्म भी करनी होगी। तो
पासवर्ड आप कोई भी करेक्टर ले सकते हैं, बट इसमें आप क्या करोगे, डोंट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर आई थिंक, देखते हैं आपके सामने बिल्कुल कर लेते हैं। ये रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर पर पासवर्ड सेंड कर दिया गया है, सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल, कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर, ई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट डालोगे आप लोग, और ये रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी आपके SC और OBC जो भी होगा, गर्ल्स आर्मी डिफेंस जो भी आप नन अबाउ दिस सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कुछ ये कह रहा है कि सेलेक्ट फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पर फिल करोगे और फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी, जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिला है वो फिल करोगे। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ऑल अदर कैटेगरी इनकम ये आप सभी फिल कर लेना, जो आधार कार्ड मैंडेटरी है ये आपको फिल करना पड़ेगा। मीडियम जो भी आप एग्जामिनेशन का मीडियम चुनना, हिंदी या इंग्लिश जो दोनों में से सेलेक्ट कर लेना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश में दोनों में से आप एक चुन लेना, और अप्लाइड कोर्स, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, MA फर्स्ट ईयर, मैं जैसे ये करता हूँ, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आप जिस भी सब्जेक्ट से फिल करना चाह रहे हैं वो, सबसे पहले कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज सहारनपुर, सहारनपुर में कॉलेज आपको, फिल करना होगा, JV जैन गोचर महाविद्यालय, महाराज सिंह गवर्नमेंट, काफ़ी सारे कॉलेज आ जाएंगे आपके पास में, तीन कॉलेज फिल करने होंगे। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट कोड जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है, जिस भी जैसे हिंदी इसमें दे रखे हैं आपके पास, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री से भी फिल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी, संस्कृत से भी, सोशोलॉजी भी है, एजुकेशन भी है, फिलोसफी भी है, उर्दू भी है, और डिफेंस स्टडीज़ भी हैं। तो इसकी फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पर जाएंगे, तो ये ऐसे फिल होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप लोगों को आती है तो आप कमेंट बॉक्स करके मेरे को बताना, मैं उस आपकी समस्या को बेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।